हेलो एवरीबडी वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के बारे में ओके okay? तो so सबसे पहले बात करेंगे एटीपी के बारे में एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है दैट ए इज़ दी एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी ओके सो बॉडी में जो कोई भी बायोलॉजिकल वर्क होती है वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है एंड एनर्जी इज द ए टी पी ओके नाउ दिस ए टी पी एक्ट एज ए सेंट्रल लिंक ओके ए टी पी इज़ दी सेंट्रल लिंक बिटवीन एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड एनर्जी यूटिलाइजिंग सिस्टम्स ओके लेट्स सी हाउ दिस एटीपी टी पी एक्टरसाइज सेंट्रल लिंक ओके सो यहाँ पे एटीपी है दिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड ओके यूटिलाइज कहां कहाँ पे होगा इट विल बी यूटिलाइज्ड इन एक्टिव आइड ट्रांसपोर्ट मसल कंट्रैक्शन सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल ड्यूजन और सेल ग्रोथ या और कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगी जहां पे ए यूटिलाइज होगा ओके सो अब ए यूटिलाइज हो गया और हमारे पास आ गया ए एडिनोसिन पी ओके सो एडिनोसिन डाइफॉसफेट के साथ मिलेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यहां से क्या होगा देयर विल बी एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगी जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है इनका होगा ऑक्सीडेशन ओके okay? और जो यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विलीपी बैक इन टू ए ओके सो दिस साइकिल विल विल कंटिन्यू इट बी इट विल बी यूटिलाइज ओके इन दीज फंक्शंस ओके वहाँ से प्रोड्यूस होगा ए डी पी ए डी पी क्या ए डी पी को क्या करेंगे जो यहाँ से फंक्शन जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी यूज टू कन्वर्ट ए डी पी बैक इन टू ए टी पी ओके सो दिस इज हाउ ए टी पी एक्ट एज ए लिंक सेंट्रल लिंक बिट्वीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन ओके नौ ए टी पी इज ए लेबल दैट इज अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड ओके सो जो ए टी पी है इट इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी इट विल अंडर गो ब्रेक डाउन ओके ए टी पी इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स जो ए टी पी है ये हर किसी सेल में प्रेजेंट है चाहे वो सेल का न्यूक्लियोप्लाजम हो या साइटोप्लाजम हो साइटोप्लाज्म हो ओके सो इट्स प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ए टी पी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडीनीन राइबोस एंड थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स नाम ये आ रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन मीनस एडीनीन प्लस राइबोस ओके एंड ट्राइफॉस्फेट दैट इज थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स सो ए टी पी इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एडीनीन ओके राइबोस एंड थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स ओके सो इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ओके सो जो ये रेड कलर वाला पोर्शन है दिस इज द एडीनिन ओके ग्रीन वन इज राइबोस ओके राइबोस शुगर एंड ब्लैक वन इज़ दीज आर द थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स ओके सो एडीन प्लस राइबोस दिस इज एडीनोसिन एंड दीज आर द थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स ओके सो अब हम इस स्ट्रक्चर को विद इन मिनट्स में ड्रॉ करके कर देखेंगे ओके हाउ टू ड्रॉ इट विद इन मिनट्स ओके सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एडीनिन को ओके सो एडीन की जो फार्मूला है इट इज़ सी फाइव एच फाइव एन फाइव ओके दिस इज़ दमूला ऑफ एडिनीन ओके सो अब हम एडिनिन को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम सिक्स मेम्बर्ड रिंग बनाएंगे ओके सो जिस सिक्स मेम्बर्ड रिंग ओके सो यहाँ पर मैंने गैप्स छोड़ी है इसके लिए यहाँ पर दो कार्बन आएंगे इसके बाद अब ऑल्टरनेटिव कार्बन एंड नाइट्रोजन ओके कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन ओके सो सिक्स मेम्बर्ड रिंग के बाद अब हम बनाएंगे फाइव मेंबर्ड रिंग कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड अगेन कार्बन ओके सो ये सिक्स मेंबर रिंग हुई ये हुई फाइव मेंबर रिंग, ओके नाउ लेट सेट कंजुगेशन ओके सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओके सो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे है सो so, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा ओके इन दोनों में डबल बॉन्ड नहीं आएगा ओके सो so, ये तो हो गया सी फाइव ओके वन टू थ्री फोर फाइव अब देखेंगे हम नाइट्रोजन एन फाइव नाइट्रोजन भी पाँच होने चाहिए वन टू थ्री फोर ओके सो फोर है यहाँ पे हम टॉप पे लगाएंगे और एक नाइट्रोजन ओके उसके बाद हाइड्रोजन सो so, इसमें लगाएंगे हम दो हाइड्रोजन ओके ये सेटिसफाई हो गया नाइट्रोजन यहाँ पे वन टू थ्री ओके और एक बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन का ओके वन टू थ्री यहां पे भी आएगा और एक बॉन्ड हाइड्रोजन का ओके सो वन टू थ्री फोर दे आर ऑनली फोर हाइड्रोजन ओके और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आएगा बट जो ये हाइड्रोजन है इट इज डिस्प्लेसड बाई राइबोस ओके सो अब हम राइबोस को यहां पे ड्रॉ करेंगे ओके सो राइबोस शुगर में सबसे पहले आएगा राइबोसिस फाइव मेंबर्ड रिंग ओके यहां पे कार्बन आएगा फिर ऑक्सीजन फिर से कार्बन ओके कार्बन कार्बन और ये ये हो गई फाइव मेमर्ड रिंग ओके सो यहाँ पे आएगा ओ OH एच और इन दोनों कार्बनों के बीच यहाँ से आता है ओ OH एच और ओ एच बॉन्ड ओके अब हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे वन टू थ्री एच वन टू थ्री एंड यहाँ पे भी फोर ओके वन टू थ्री और यहाँ पे और एक एच आएगा वन टू और यहाँ पे एच आएगा ओके और इसके साथ होता है यहाँ पे सी एच थ्री अटैच इस वाले कार्बन के साथ ओके okay? तो थोड़ा सा मैं इसको बेंड करूंगा सी एच थ्री ओके सी एच जो सी एच थ्री का और एक हाइड्रोजन है वो जाएगा वो डिस्प्लेस होगा बाय फॉस्फेट ओके सो so यहाँ पे आएगा सी एच टू ओके सो अब हम ड्रॉ करेंगे फॉस्फेट रेडिकल्स को ओके सो ये हो गया ऑक्सीजन सो so फॉस्फेट की फॉर्मूला है पी ओ फोर थ्री माइनस ओके सो so ये ऑक्सीजन ये फॉस्फेट ये डबल बॉन्ड ओ ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर ओके So, यहां पे आएगा माइनस ओके ये वाला बनाएगा बॉन्ड सो so, जो यहां पे बॉन्ड होता है दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड ओके सो इसलिए मैंने इसको इस सिंबल से ड्रॉ किया ओके okay? इसके बाद यहां पे आता है फिर से ओके फॉस्फेट डबल बॉन्ड ओ ओ और ऑक्सीजन ओके सो यहां पे फिर से माइनस आएगा ओके इस ऑक्सीजन सो वन टू थ्री फोर ओके फिर से चार बॉन्ड्स ओके सो इसके बाद फिर से और एक आएगा हाई एनर्जी बॉन्ड ओके उसके बाद फिर से आएगा फॉस्फेट लाइक दिस लाइक दिस और लाइक दिस यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे भी आएगा माइनस चार्ज ओके सो दिस दिज आर द थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स ओके ये हो गया और ये हो गया एडीनो सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट ओके ए टी पी का स्ट्रक्चर देखने के बाद नाउ देर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू एनर्जी ओके सो सबसे पहला वाला पॉइंट है जूरिंग स्टंडार्ड कंडीशन ओके अगर स्टैंडार्ड कंडीशन की हम बात करेंगे उस स्टंडार्ड कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूट गया ओके सो दियर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस बॉन्ड जूरिंग स्टैंडर्ड कंडीशन तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कैलरीज ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इट जूरिंग स्टंडार्ड कंडीशन ओके अगर हम फिर बात करेंगे अंडर यूजअल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या हम कह सकते हैं सिंपली बॉडी में ओके okay? सो so अगर बॉडी में ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर रिलीज होगी बारह हज़ार ट्वेल्व थाउजेंड कैलरीज ऑफ एनर्जी विल बी रिलीजड ओके सो ये मैंने यहाँ लिखा है इन द बॉडी देयर इज रिमोवल ऑफ इ बॉडी रिमोल ऑफ ईच ऑफ द लास्ट टू फॉस्फेट रेडिकल लिबरेट्स अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड कैलरीज ऑफ एनर्जी ओके सो बॉडी में अगर ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है ट्वेल्व थाउजेंड कैलरीज ऑफ एनर्जी विल बी रिलीजड सिमिलरली अगर फिर इस बारे इस वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है देर विल भी रिलीज ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड कैलोरीज ऑफ एनर्जी ओके ना लेट्स कम टू इंटरकनवर्जेंस अमंग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉसफेट एंड एडिनोसिन मोनोफॉसफेट ओके सबसे पहले देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ए डीपी ओके एंड इट विल चेंज इन टू ए डी पी ओके और वहाँ पर रिलीज होगी ट्वेल्थ थाउजेंड कैलरीज ऑफ एनर्जी माइनस साइन इंडिकेट्स देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी ओके उसके बाद होगा ए डी पी का ब्रेकडाउन एडिनोसिन डायफॉस्फेट का ब्रेक डाउन एंड इट विल चेंज इन टू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ओके

अगर हम एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ ट्वाइस पी थ्री डालेंगे और 24,000 कैलोरीज एनर्जी देंगे इट विल चेंज इन टू ए ओके सो एम है एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट ओके दैट इज दिस मच ओके इसके साथ हमने ट्वाइस पी थ्री डाला दैट इज़ दिस ओके दिस टू रेडिकल्स ओके और हमने दी ट्वेंटी फोर थाउजेंड कैलोरीज एनर्जी ओके इट विल चेंज इन टू ए टी पी ओकेट्स कम टू दिस वन यहाँ पे क्या है अगर हमने ए डी पी के साथ एक पी ओ थ्री डाला और ट्वेल्व थाउजेंड कैलरीज ऑफ एनर्जी दी इट वि चेंज इन टू ए डी पी ए टी पी ओके सो ए डी पी है एडिनोसिन डायफॉसफेट है एडिनोसिन डायफॉसफेट को हमने एड किया एक पी ओ थ्री दैट इज दिस पी ओ थ्री ओके इतना था इसको एड किया हमने पी ओ थ्री और दी ट्वेल्व थाउजेंड कैलरीज ऑफ एनर्जी इट विल चेंज इन टू ए डी ए टी पी ओके So ATP can be converted into ADP and ADP into AMP, okay? And this reaction is reversible also. That is, AMP can be converted into ADP and ADP can be in turn converted into ATP, okay? So this was about interconvergence. Now let's come to role of glucose in carbohydrate metabolism, okay? Final products of carbohydrate digestion in the elementary tract are almost... एंटाइली ग्लूकोज फ्रिक्टोज एंड गैलेक्टोस ओके सो जब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है जी आई ट्रैक्ट में द सबस्टेंसेज विच आर एब्बॉर्ब आफ्टर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ग्लूकोज फ्रिक्टोस एंड गैलेक्टोस ओके सो इन तीन का एब्जॉर्बशन होता है

ट्रांसपोर्ट जो होगा वो ग्लूकोज ही होगा ओके लिवर सेल्स कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज ओके फॉस्फर्टेस इट इज एन एंजाइम दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट गेट इंटू ग्लूकोज ओके दस मेकिंग ग्लूकोज अवेलेबल टू टिश्यू सेल्स ओके सो इस एंजाइम के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे लेट्स कम टू इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज इन लिवर सेल्स ओके सबसे पहले देखते हैं हाउ गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज ओके सो दिस ग्रीन कलर लाइन इट इज द सेल मेमरेन ओके नाउ गैलेक्टोस को सेल के अंदर लाने के लिए देरलाइजेशन ऑफ ए टीपी ओके अब गैलेक्टोस सेल के अंदर आ गया है एंड इट इज कन्वर्टेड इंटू गैलेक्टोस वन फॉस्फेट ओके दिस गैलेक्टोस वन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इंटू यूरिडीन दाई फॉस्फेट गैलेक्टोस ओके सो इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोस इंटू ग्लूकोज ओके सो जैसे यूरिडीन डाइफॉस्फेट गैलेक्टोस में चेंज हो गया दिस विल चेंज इंटू यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ओके नाउ दिस यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन ओके एंड दिस ग्लाइकोजन जो है इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ओके सो दैट मीन्स गैलेक्टोस वन फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में और जो एक ग्लाइकोजन है इसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज वन फॉस्पेट में ओके okay? सो so, जो ये तीन वाले स्टेप्स है दीज आर रिवर्सेबल ओके उसके बाद ग्लूकोज की तरफ आते हैं ग्लूकोज को भी सेल के अंदर लाने में देर यूटिलाइजेशन ऑफ ए टी पी ओके एंड देन ग्लूकोज सबसे पहले इट इज़ कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट ओके इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस ग्लूकोज अदरवाइज इट विल डिफ्यूज़ थ्रू द सेल सिमिलरली जब फ्रुक्टोज को सेल के अंदर लाना होता है देअ यूटिलाइजेशन ऑफ़ एनर्जी ओके एंड फ्रुक्टोस को भी सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोसिक्स फॉस्फेट फॉस्फेट में ओके इन ऑर्डर टू कैप्चर फ्रुक्टोस ओके नाउ दिस फ्रुक्टोसिक्स फॉस्फेट इट इज़ ऑल्सो इट इंटर चेंजेबल इंटरकन्वर्टेबल इंटू ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट एंड ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट को हम चेंज कर सकते हैं गैलेक्टोस वन फॉस्फेट में ओके okay? एंड इसका उल्टा दैट इज गैलेक्टोस वन फॉस्फेट को हम चेंज कर सकते हैं ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट में एंड ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट को हम चेंज कर सकते हैं फ्रुक्टोस सिक्स फॉस्फेट में ओके एंड फ्रुक्टोस सिक्स फॉस्फेट फाइनली एंटर्स इनटू ग्लाइकोलसिस ओके सो दिस वॉज द इंटरकन्वर्जन बिटवीन गैलेक्टोस ग्लूकोस एंड फ्रुक्टोस ओके दिस वॉज अबाउट today's video now in upcoming videos we will discuss about transport of glucose what is the mechanism behind it phosphorylation of glucose glycogenesis and glycogenolysis okay thank you guys for watching this video and do subscribe this channel